आज मैं आपको फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली आपको फॉरएवर में पैसा किस तरीके से आएगा। बहुत सारे यंगस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ये यहाँ पे हमें पैसा किस तरीके से कमाया जाएगा। प्रोजेक्ट तो अच्छा है, वेलनेस का प्रोजेक्ट है जो कि हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि आज के डेट में ट्रेंडिंग पे है, बट हमें पैसा यहाँ पे किस तरीके से कमा सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि किस तरीके से इसके कुछ खास फीचर्स जिसके वजह से इसके मार्केटिंग प्लान को लोग बहुत इतनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं और बहुत अच्छा इसको मानते हैं। पहली चीज क्या है, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का रेन्यूअल फीस पे नहीं करना है, ना ही किसी तरीके की कोई ट्रेनिंग का पैसा पे करना आपको, ना ही आपको यहाँ पे कोई डिमोशन होगा। आपके लेवल से कभी भी आप नीचे नहीं गिरोगे अगर आपने एक बारी अपने लेवल को अचीव कर लिया तो। सेकंड थिंग, यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको कोई भी ओवरटेकिंग नहीं है, यहाँ पे आपके पास कोई लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड इनकम को एंजॉय कर सकते हो। प्लस यहाँ पे कोई भी बाइनरी सिस्टम नहीं है और साथ ही साथ ये बिजनेस इनहेरिट है। इसके अलावा ये बिजनेस ग्लोबली बिजनेस है। मेरा फेवरेट रीजन इस बिजनेस को ज्वाइन करने का इनहेरिट। जो भी इनकम आप आज की डेट में एंजॉय कर रहे हो, चाहे आप जॉब में कर रहे हो चाहे आप सरकारी जॉब में कर रहे हो, वो इनकम कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। बट ये बिजनेस जिस भी इनकम लेवल पे आप आज की डेट में आप रहोगे या आने वाले टाइम पे आप रहोगे, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप इस इनकम फिगर को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि ये इनकम आपके बच्चों, आपकी वाइफ, आपके आने वाले बच्चों का ही कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस बिजनेस के साथ ही साथ, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो तो इसमें आप बनते हो इसके पार्टनर। जब भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने को कंपनी आपको करती है वेलकम, वेलकम में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप यहाँ पे यूजर बनो, या फिर आप यहाँ पे आके प्रमोटर बनो। प्रमोटर से एक चीज मुझे याद आती है कि जब भी हमारे पास कोई एक नया ट्रेंड आता है या कोई एक नई चीज आती है इंडिया में, उसके लिए मैक्सिमम लोग उसके कुछ ना कुछ यूजर बनते हैं और कुछ ना कुछ उसके प्रमोटर बनते हैं। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल करूं वाटर का, कुछ लोगों ने उसको प्रमोट नहीं करा, वो आज की डेट में यूजर और स्टिल यूजर ही रहेंगे, और जिन लोगों ने उसको प्रमोट करा, आपके पास उनके रियल एग्जाम्पल है, बिस्लरी किलनी जैसे ब्रांड जो ब्रांड है आज की डेट में उन्होंने प्रमोट करके वो बिलियनर बन चुके हैं। क्यों ना हम आने वाले टाइम में जब हमारे पास वेलनेस का ट्रेंड आने वाला है जो कि इंडिया में पहुंचने लगा है, ट्रेंड देखा होगा आपने, आज के डेट में मैक्सिमम लोग जहां पे जिम्स को ओपन कर रहे हैं, जिम्स को यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेलनेस का ट्रेंड आ चुका है। और जिस पर्सन ने इसको एज ए यूजर ज्वाइन करा वो यूजर का यूजर ही रहेगा, बट जिस पर्सन ने इसको एज ए प्रमोटर करने का स्टार्ट कर दिया और प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, तो वो प्रमोटर से बिलनर जरूर बन जाएगा। अब इस बिजनेस की बात करते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पे एक आईडी मिलती है, जो आईडी स्टार्ट होती है 91000 से, इस तरीके की आईडी, जो आईडी आपकी एक्टिव हो जाएगी 170+ कंट्रीज में। जैसे आप यहाँ पे आए 91000 से आपको आईडी मिलेगी, जो आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे आप आए, अपना फॉर्म एक्टिव करा, आप यहां पे कहलाओगे नोवस कस्टमर, जहां पे आपको आपने इस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना चाहा, कंपनी आपको इस पैसे के ऊपर जो आप यहां जिस भी आप अमाउंट से स्टार्ट करते हो, चाहे इसको आप लेते हो 2000, 10000, 15000, 20000, 30000, जिस भी अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, जब भी आपने उस अमाउंट से स्टार्ट करा तो कंपनी आपको 10 से 15% के डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट देती है, जो कि वर्ल्ड वाइड 170+ कंट्रीज में सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ ही साथ कंपनी जब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दे रही है, उसके साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। क्या अपॉर्चुनिटी है? यहाँ पे आप आए, आपने इस फ्रेंचाइजी की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है, आपने इसका बनना है यहाँ पे फॉर एवर बिजनेस ऑनर। आप यहाँ पे कोई एक प्रोस्पेक्ट नहीं हो, यहाँ पे आप कोई एक सेल्समैन पर्सन नहीं है, आप इस कंपनी के फॉर एवर बिजनेस ऑनर बनने के लिए आपको कंपनी कहती है कि आपको 30000 का टर्नओवर क्रिएट करके देना है। टर्नओवर, अभी टर्नओवर कैसे क्रिएट होगा? एक छोटा सा एग्जांपल, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 150 से 200 नंबर होंगे, राइट? हम इन 200 नंबर से बात करेंगे, 200 नंबर से बात करने के बाद हम कुछ लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड करेंगे। अगर आपने यहाँ पे स्लो प्रोसेस के साथ स्टार्ट करा तो हम इस वाले मेथड को अपनाएंगे, जिसमें हम लोगों को इस प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हम कुछ फ्रेंड्स को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने के बाद हम उनको इस चीज के बारे में रेकमेंड करेंगे। जैसे सपोज एक पर्सन ने आपसे 1000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करा, दूसरे पर्सन ने आपसे 2000 का प्रोडक्ट परचेज करा,
तीसरे पर्सन ने आपसे 3,000 का प्रोडक्ट परचेज करा और एक पर्सन ने आपसे 4,000 का प्रोडक्ट परचेज करा, किसी ने आपको मना कर दिया, किसी ने बोला मैं सोच के बताऊंगा, और किसी ने आपसे 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करा। आपने 2 महीने के अंदर 60,000 का टर्नओवर कंपनी को क्रिएट करके दे दिया, जो कि 60 डेज में 1,000 का, अगर मैं एस्टिमेट अमाउंट लेके चलता हूं तो। बट कंपनी कहती है आपको केवल आप 30,000 का टर्नओवर करते ही आप यहां पे बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, जो कि कहलाता है 2CC। अभी बेसिकली 2CC क्या है? अब मैं हमने जैसे आपको बताया 170 कंट्रीज में बिजनेस है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है, दुबई में दिनार है, यूएसए में डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में पाउंड है, ऑस्ट्रेलियन पाउंड है, और इंग्लैंड में पाउंड है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी है। तो कंपनी ने क्या करा, एक करेंसी बना दी जिसको कहते हैं हम कॉमन करेंसी। इससे होगा क्या, जो चीज भी आप यहां से परचेज करोगे, चाहे आप ऑनलाइन परचेज करो, चाहे आप ऑफलाइन परचेज करो, चाहे आपका पार्टनर बाहर की कंट्री में है, चाहे आपका पार्टनर किसी भी कंट्री में, अगर कोई भी परचेज करता है तो उसका अमाउंट आपको यहां पे मिलता है, जो कि आपको बिना किसी करेंसी चार्ज का आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। आपने क्या करा, आपने जस्ट लेट्स सपोज जैसे कि एक ये प्रोडक्ट है इनका, इस चीज को हमने प्रोडक्ट को परचेज करा जिसकी लमसम अमाउंट MRP 1,000 रुपीज है, राइट। इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं 300 पॉइंट्स। अभी बेसिकली पॉइंट्स क्या है, 1 CC इज इक्वल टू 1,000 पॉइंट्स, 2 CC इज इक्वल टू 2,000 पॉइंट्स। इंडियन करेंसी के हिसाब से 1,000 पॉइंट्स की वैल्यू है 15,000 और 2 CC की वैल्यू है 30,000। 30,000 का टर्नओवर आपने कंपनी को क्रिएट करके दिया लगातार के 2 मंथ के अंदर, तो कंपनी आपको बना देती है असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने का फायदा क्या होता है, जहां पे आपको प्रोडक्ट 10-15% डिस्काउंट पे मिल रहा था, वो प्रोडक्ट आपको सीधा सीधा 30% के डिस्काउंट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपने इस बिजनेस में एसोसिएट करा। बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम पर्सन 2 तरीके से बिजनेस को करने के लिए आते हैं, एक स्लो प्रोसेस से और एक होता है फास्ट प्रोसेस से। अभी फास्ट प्रोसेस क्या है, आप आए, आपने सीधा ऑन शॉट अपने 30,000 के टर्नओवर से इस लेवल को अचीव कर लिया। इससे फायदा क्या होगा, आपकी इनकम अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी और आप 1 मंथ के अंदर जितना भी आप अमाउंट करना चाहो आप अमाउंट अर्न कर सकते हो और इस बिजनेस को 170 प्लस कंट्रीज में पहुंचा सकते हो। अब अगर आप नोवस कस्टमर यानी कि स्लो प्रोसेस के थ्रू आप करते हो, जो कि क्या रहता है, आपने यहाँ पे 30,000 का टर्नओवर क्रिएट करा और 5 लोगों की हेल्प करी, ठीक है, 5,000 × 6 30,000 का टर्नओवर क्रिएट हो गया, जिससे आपने जो अपने अमाउंट परचेज करा था वो आपने रिकवर कर लिया। बट ये स्लो प्रोसेस रहता है जिसमें आपको आप अपने कुछ पार्टनर्स को क्रिएट करते हो या ढूंढते हो, ढूंढने के बाद अब कहीं ना कहीं आप उन चीजों को धीरे धीरे बताने लगते हो। अब बेसिकली होगा क्या, जब आप यहाँ पे बिजनेस में करने के लिए आए और बिजनेस को अच्छी तरीके से समझने लगे, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस को फॉरवर्ड कर पाओगे आप और आगे लोगों को बता पाओगे। मेन चीज क्या रहता है, जब आपने यहाँ पे एस लेवल को कंप्लीट करा, यहाँ पे आपको कंपनी 20% का पर्सनल बोनस भी देती है, जहां पे आप रेफरल इनकम कह सकते हो, आप NDP प्रॉफिट, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, और इसमें आपको 5% का पर्सनल बोनस रिसीव होता है जो आपको पर्सनल परचेज में मिलता है, राइट। अब बेसिकली हुआ क्या, आपने जब इस लेवल से स्टार्ट करा तो आपकी इनकम नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपने इस लेवल से स्टार्ट करा तो आपको 61 डेज के बाद आपकी इनकम स्टार्ट होती है, राइट। अब बेसिकली क्या है, आपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा, जिन लोगों को आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था वो कुछ आपके यूजर के यूजर ही रह जाएंगे, क्योंकि आपकी मेंटालिटी है इंडिया में कि जो लोग यूजर है वो यूजर ही रह जाते हैं। बट जो लोग इनमें से आपका बिजनेस करने के लिए आएंगे, क्योंकि आपने क्या करना है, ये काम जो आपने करना है ये लाइफ टाइम में अपना वन टाइम करना, ताकि आपका ये लेवल अचीव हो जाए। लेवल अचीव हो जाने के बाद आपको ये काम दोबारा नहीं करना है, आपको बस अपने नॉलेज को शेयर करना है और अपने आप आपके पास कस्टमर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने जिस मेथड से इस टर्नओवर को कंप्लीट करा, वही सेम मेथड आपने अपने फ्रेंड्स को देना है जो आपको इन 150 लोगों में से मिले। अब ये 150 लोगों में से हम लमसम अमाउंट लेते हैं, लमसम पर्सन लेते हैं 15%। 15% ने आपसे आके 2 CC का बिजनेस करा, जो कि कहलाता है केवल 30 CC का बिजनेस। कंपनी ये कहती है कि आप 30 CC का बिजनेस नहीं करो, केवल 25 CC का बिजनेस करते ही आप यहां पे बन जाते हो
सुपरवाइजर, सुपरवाइजर बनने का फायदा क्या होगा? सुपरवाइजर बनते ही 30% का पर्सनल डिस्काउंट जो होलसेल डिस्काउंट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर जो भी आप सेल्फ यूज के लिए प्रोडक्ट परचेज करोगे उसमें आपको 8% का पर्सनल बोनस मिलेगा। अब ये पर्सनल बोनस है ये आपको किस पे मिलेगा? ये पर्सनल बोनस आपको मिलता है, एक रहता है हमारे पास एमआरपी, एक होता है बीआरपी वैल्यू और एक होता है नॉर्मल प्राइस। अगर एमआरपी हमारे पास 1000 है जिसमें हम 100 रुपया आपका टीडीएस और जीएसटी को निकालने के बाद हमारे पीछे बचता है 900 रुपया और पीछे आपको नॉर्मल प्राइस आपको मिलता है 800 रुपया। ये एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो आपको कैशबैक उस प्राइस पर नहीं देती जिस प्राइस पे आपने प्रोडक्ट परचेज करा, ये आपको कैशबैक उस प्राइस पे देती है जिस प्रोडक्ट पे आपने पॉइंट आपने प्रोडक्ट परचेज भी नहीं करा। राइट, अब 25 CC आपने परचेज करा, बेसिकली क्या है यहाँ पे आपको रेफरल इनकम भी आने लगती है। रेफरल इनकम आपको यहाँ पे आएगी 23%। कैसे? यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 30,000 × 20% आपको 6,000 रुपये की इनकम पर रेफरल इनकम मिलेगी जब भी आपने इस प्रोसेस के थ्रू किसी पर्सन को ये प्रोडक्ट शेयर करा।